हमारे शरीर के अंदर और ऊपर जितने भी जीवाणु यानी माइक्रोब रहते हैं उन्हें एक साथ माइक्रोबायोम कहा जाता है। सबसे ज्यादा माइक्रोबायोम जीव आंतों में पाए जाते हैं। वहां मुख्य रूप से बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज होते हैं। इनकी संख्या करीब 30 ट्रिलियन होती है। इन सभी का वजन एक इंसान के दिमाग के बराबर होता है। हमारी त्वचा, मुंह, नाक, गला, जननांग और फेफड़ों तक में बहुत सारे माइक्रोब रहते हैं। ट्वेंटी ट्वेल्व में इसराइल के शोधकर्ताओं ने पता लगाया था कि कैंसर ट्यूमर के भी अपने माइक्रोबायोम्स होते हैं। माइक्रोब्स की मदद से ही हमारा खाना पचता है। माइक्रोब्स हमारी त्वचा पर भी एक सुरक्षा परत बनाते हैं जो कीटाणुओं से बचाती है और घाव भरने में मदद करती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी होते हैं। हर इंसान के माइक्रोबायोम उसके फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होते हैं। इनकी बनावट भी अलग ही होती है। माइक्रोब जन्म से ही बच्चे के शरीर में बसना शुरू कर देते हैं। शिशु की डिलीवरी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन से, इससे भी उसके माइक्रोबायोम पर गहरा असर पड़ता है। आमतौर पर खाने के जरिए माइक्रोब आंतों तक पहुंचते हैं। लेकिन वे सांस लेने और छूने से भी शरीर में पहुंच सकते हैं। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक और नॉन प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, आपके माइक्रोबायोम में उतनी ही ज्यादा विविधता आएगी। इसलिए छोटे बच्चों के लिए जरूरी है कि वे ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स के संपर्क में आएं, क्योंकि सिर्फ इसी तरह अच्छा माइक्रोबायोम विकसित किया जा सकता है। हम जैसे खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये कहावत आंतों के माइक्रोबायोम पर एकदम फिट बैठती है। हमारे लिए प्रोबायोटिक्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ये दही, पनीर, चीज और खमीर उठाकर बनाए जाने वाले खाने में पाए जाते हैं। इनमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हमारी आंतों को मजबूत बनाए रखने और रोगाणुओं को दूर रखने में मदद करते हैं। हमें प्रीबायोटिक यानी ज्यादा फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये फायदेमंद बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है। अच्छे माइक्रोबायोम के लिए अलग अलग तरह का पौष्टिक भोजन करना चाहिए। असंतुलित खाने से आंतों में माइक्रोब्स की विविधता कम हो सकती है। आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आंतों की बीमारियों से बचाते हैं। वहीं त्वचा पर मौजूद माइक्रोबायोम हमें त्वचा के रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा कई अध्ययनों में ये भी सामने आया है कि चूहे अपनी आंत के माइक्रोबायोम की संरचना के आधार पर ज्यादा साहसी बन जाते हैं। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के मुताबिक कुछ प्रोबायोटिक लोगों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर भी असर डाल सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शरीर के अंदर और ऊपर रहने वाले ये जीवाणु हमारे पूरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।